हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि जो स्वेटर है उसमें हम कैसे पता लगाएं कि कितने फंदे आपको लेने हैं। जैसे कि मैंने बता दिया किसी मेजरमेंट में कि आपको इस स्वेटर पे इतने फंदे लेने हैं और कौन सी वूल पे लेने हैं, लेकिन जैसे आपके पास कोई और वूल है या आप कोई और सिलाई यूज़ कर रहे हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि उस किसी भी साइज़ पे कितने फंदे डालने हैं। तो ये अगर आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप कभी भी फंदों का मेज़रमेंट में गड़बड़ नहीं करेंगे। आप चाहे बच्चे का बनाएं, बड़े का बनाएं, लेडीज़ जेंट्स कोई भी आप किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें आपका ये वाला मेज़रमेंट काम में आएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपने कोई भी ऊन ले ली जो आपकी पसंद की है और जिससे आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे आपने जेंट्स का कोई स्वेटर बनाना है हाफ या फुल, तो जैसे आपने फंदे डालने हैं उससे, और सिलाई तो आप ऊन के हिसाब से लेंगे। जैसे ऊन पतली है तो आप 10 नंबर लेंगे, थोड़ी सी मोटी है तो आप 9 नंबर लेंगे। तो जो मैं यूज़ करती हूँ सिलाई, वो मैं पोनी की यूज़ करती हूँ, 10 नंबर 9 नंबर जो भी है, और जो ऊन है मैं मैक्सिमम जो है वर्धमान का ही यूज़ करती हूँ, तो उसमें आपका 9 और 10 से नंबर ही चलता है, ज़्यादातर में 10 ही नंबर चलता है। फिर आप ये देखेंगे कि आपका प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा थिक चाहिए या पतला चाहिए, उस हिसाब से भी सिलाई आप यूज़ करते हैं। तो देखिए, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया ऊन और फिर सिलाई, उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको जितने फंदे डालने हैं आप कैसे पता लगाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, ऐसे ऊन पे इसी ऊन से जिससे आपने प्रोजेक्ट बनाना है उसी से, और जो जिस सिलाई से बनाना है उस पे आप फंदे डालिए। तो जैसे आपने पहले कमर का मेज़रमेंट लेना है, जैसे वेस्ट का आप पहले ऐसे इंच टेप से आप मेज़रमेंट ले लीजिए, सेंटीमीटर में या इंच में। सेंटीमीटर में लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप सेंटीमीटर में पहले पूरी कमर को नाप लीजिए, कितना लूज़ चाहिए वो भी नाप लीजिए, कितना टाइट चाहिए वो भी नाप लीजिए। उसके बाद क्योंकि बॉर्डर से ही बनता है तो आप पहले कमर को नाप लेंगे जहाँ से आपको स्टार्ट करना है, जैसे कि आपको जितनी लेंथ चाहिए वहाँ से। अगर जैसे ये अगर कमर है तो इसमें आपने यहाँ से आपकी लेंथ स्टार्ट होगी ऊपर को, तो आपने यहाँ पे नापना है जहाँ से स्टार्ट होगी बॉर्डर, जहाँ पे रहता है, तो वो आपने इंच टेप से नाप लेना है। जितना भी आपका नाप आएगा उसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए चाहे आप किसी का भी बना रहे हैं उसको आप नाप लीजिए, जेंट्स का बना रहे हैं, जिसके लिए भी बना रहे हैं उसका आप नाप ले लीजिए। वो फिर आपको साइज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा साइज़ आ रहा है, आप सिर्फ फंदे डालने का देखेंगे। तो उससे उसके बाद आप क्या करेंगे, जिस ऊन से आप बनाना चाहते हैं उससे आप फंदे डाल लीजिए। देखिए सिंपली जैसे हम फंदे डालते हैं इस तरीके से नॉर्मल फंदे डाल लीजिए, या जैसे भी आपने फंदे बनाने हैं वैसे आप डाल लीजिए इस तरीके से। मैं तो ऐसे ही वाले फंदे डालती हूँ। तो इसमें हम डालेंगे 10 या 20 फंदे, तो मैं 10 डाल के इसमें आपको दिखाती हूँ। 10 या 20 फंदे आप डाल लीजिए। देखिए पहले आप थोड़े से फंदे डाल लीजिए एक अलग सी सिलाई पे, जिस पे आपने बनाना है उसी सिलाई पे डालिए और उसी ऊन से डालिए। अब मैंने यहाँ पे 20 फंदे जैसे डाल लिए हैं, उसके बाद हम देखिए एक लाइन इसमें पहले बनाएंगे। ये आपने अलग से करना है, ये आपका प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, ये आपने अलग से डालना है फंदों का मेज़रमेंट लेने के लिए। अब देखिए ये मैंने 20 फंदे डाले, आप 10 डालिए, 5 भी डाल सकते हैं। उसके लिए हमने पहले एक लाइन इसकी बनानी है, उल्टी या सीधी आपकी जिस साइड से भी लाइन आ रही है आपने इसकी एक सिलाई इसमें डाल लेनी है। मैं उल्टी उल्टी डाल रही हूँ इसमें, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद। फिर आप जैसे प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे आपको उसमें भी ये काम में आएगा। ये देखिए एक लाइन तो हमने डाल ली। अब क्या होता है, नीचे थोड़ा सा हमने फंदे डाले हैं तो ये टाइट रहता है, तो एक लाइन हम और डालेंगे इसमें,
तो एक लाइन मैं फिर से इसमें सीधी डाल लेती हूँ, पहले मैंने उल्टी डाली थी। ये देखिए मैंने दो लाइंस इसमें डाल दी हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इन फंदों को हम ऐसे फैला देंगे इस तरीके से। इस तरीके से कर लीजिए फंदे ऐसे, क्योंकि जब हम स्वेटर पहनते हैं तो वो इसी तरीके से हो जाता है पहनावा। अब आपने क्या करना है, इंच टेप लेना है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप नाप लीजिए। ये देखिए मैंने इसमें ये नापा तो इसमें 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर में मैंने नाप के देखा। तो यहाँ पे हम यहाँ तक हमारे फंदे इसमें 5 सेंटीमीटर में आ रहे हैं। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 11, तो ये जो बारीक ऊन है इसमें 11 फंदे हमारे 5 सेंटीमीटर में आ रहे हैं। सेंटीमीटर में नाप के देखा मैंने, तो 5 सेंटीमीटर के हिसाब से हम लेंगे तो 5 सेंटीमीटर में ये हमारे 11 फंदे आ रहे हैं, 11 फंदे। अब देखिए क्या करेंगे, अब 10 सेंटीमीटर में हम करके देखेंगे। थोड़ा सा इनको फैला के रखेंगे। ये देखिए अब इसमें यहाँ पे मैंने 20 फंदे डाले हैं, तो ये 9 सेंटीमीटर में यहाँ पे 20 फंदे आ रहे हैं। 9 सेंटीमीटर में 20 फंदे आ रहे हैं। और उसका आप अगर राउंड फिगर लेंगे तो आपका जैसे 5 में 11 आ रहे हैं, तो 9 सेंटीमीटर में हमारे 20 फंदे आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इसमें से एक फंदा कम कर देंगे। तो जैसे हमारे 5 सेंटीमीटर में आ रहे थे इसमें 11 फंदे, तो आप 10 करके लेंगे। जैसे 10 10 के करेंगे आप, तब आपका उस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने अलग निडिल में जिसमें आपने करना है उसमें आपने फंदे लेने हैं थोड़े से, जैसे 20 ले लिए। उसके बाद आपका जो मेज़रमेंट होगा वो आपने नोट करके रखना है कमर का, और फिर आपने ऐसे नापना है इसको। तो पर 5 सेंटीमीटर हमारे 11 फंदे आ रहे थे, तो 11 के हिसाब से हमारे 10 सेंटीमीटर में तो 22 फंदे हो जाएंगे, लेकिन हम उसको 20 लेंगे, 22 नहीं लेंगे, 20 लेंगे। और आप अगर आप लूज़ बुनते हैं, ढीला अगर आप बुनते हैं, तो आप उसमें 2 फंदे कम कर सकते हैं पर 5 सेंटीमीटर। मैंने एक ही किया है क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइट बुनती हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा लूज़ बुनते हैं तो आप 2 और कम कर लीजिए। तो उस हिसाब से आप जब कैलकुलेट करते हुए जाएंगे तो आपके फिर आपके उतने फंदे आ जाएंगे जितने आपने डालने हैं। तो उस हिसाब से जैसे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे उसका कैलकुलेशन कर करके तो आपका सही मेज़रमेंट आ जाएगा। और जब भी आप करेंगे इन फंदों को ऐसे फैला के रखिए इस तरीके से, अगर आप इनको इस तरीके से रखेंगे तो ये सही मेज़रमेंट ये नहीं आएगा। आप ऐसे फैला के रखिए और सेंटीमीटर में नाप के देखिए, फिर आपके जैसे 5 सेंटीमीटर में 11 आए, मोटी ऊन होगी तो हो सकता है कि 7 ही फंदे आए, और हो सकता है कि आपके 8 आए। इस तरीके से डिफरेंट टाइप की ऊन पे डिफरेंट टाइप का मेज़रमेंट आएगा। और जैसे सिलाई भी है तो उसके हिसाब से भी आपका मेज़रमेंट कम ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी सिलाई पे थोड़ा सा लूज़ बन जाएगा तो ऐसे फैला के थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, तो आपके उसी हिसाब से कम ज़्यादा आएंगे। तो इस तरीके से जब आप मेज़रमेंट करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो हमेशा सही बनेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। फिर आप जैसे मैंने कई चार्ट दे रखे हैं मेज़रमेंट के, आप उससे भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया है उसमें। और कई बार ऐसा होता है कि किसी का साइज़ एग्जैक्ट लार्ज भी नहीं होता है, एग्जैक्ट मीडियम भी नहीं होता है, तो आपको उसके बीच का कैलकुलेट भी करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका एकदम परफेक्ट आएगा। आप इसी तरीके से लीजिए जो भी बना रहे हैं। कई बार आप कुशन कवर्स बनाते हैं उसमें भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है, ब्लैंकेट्स, या फिर आप बेडशीट बनाते हैं, या फिर किसी टेबल का क्लॉथ बनाते हैं कवर, तो उसके लिए भी इस तरीके से जब आप लेंगे मेज़रमेंट, जैसे किसी टेबल का आपको कवर बनाना है तो इतना अगर उसका लेंथ है या चौड़ाई है या लंबाई है, तो आपने ऐसे नाप लिया, अगर
जैसे 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है या 20 है, 20 आपने नाप लिया इस तरीके से, अब आपको नहीं पता चलेगा कि आपने 20 सेंटीमीटर में कितने फंदे डालने हैं, तो 20 सेंटीमीटर में कितने फंदे आएंगे आप ऐसे पता नहीं लगा पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से फंदे डाल के उसकी चौड़ाई देखनी पड़ेगी कि कितनी आ रही है। इस तरीके से जैसे मैंने ये डाला तो इसमें इंच टेप में नाप के आपका इस तरीके से कैलकुलेट कर करके आगे तक आ जाएगा। तो आपको फिर कन्फ्यूज़न नहीं होगा, चाहे आप मोटी वूल लें, कोई डिफरेंट टाइप की लें, कोई भी ऊन से आप इसी तरीके से जिस सिलाई से आपको बुनना है उस पर आप डाल के बुन के थोड़ा सा 2-4 लाइन्स डाल के देखिए। और उसके अलावा क्या होता है, कई बार हम जो डिज़ाइन डालते हैं वो लूज़ हो जाता है, कई बार वो टाइट हो जाता है, तो आपका मेज़रमेंट ख़राब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़े से इसमें डिज़ाइन डालना है, जैसे आपने थोड़े फंदों में वो डिज़ाइन डाल के देखा और फिर आप देखेंगे कि वो टाइट हो रहा है, क्योंकि अगर वो श्रिंक होगा तो आपकी जो ये लेंथ है वो कम हो जाएगी, इस तरीके से वो कम हो जाएगा। तो आपको फिर फंदे उसमें और बढ़ाने पड़ेंगे, जैसे अगर ऐसे में आपका 5 सेंटीमीटर में 11 फंदे आ रहे हैं तो उस जो आपका वो टाइट बुना हुआ होगा उसमें आपके फंदे बढ़े हुए आएंगे, जैसे 11 है तो आपका 12-13 इस तरीके से आएगा, तो तब आप वैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में, नहीं भी आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो फिर आप इसी तरीके से बनाइए, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।